जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आइए आज हम कुछ और हाथों का जो ड्राइंग है वो हम आपको बता रहे हैं। वी शेप बनाना बताया था पहली वीडियो में। हाथों के कुछ और दो चार पोज हम आपको बताना चाहते हैं, वो ध्यान से देखें वीडियो को। देखिए हाथों के बहुत सारे स्टाइल होते हैं हाथों को बनाने का, क्योंकि हाथ किधर भी उंगलियां मुड़ती हैं उधर ही वो ड्राइंग हमारे को किसी भी ड्राइंग में बनानी होती है। वीडियो को ध्यान से देखें, बार बार देखें और उसके साथ साथ बनाने की कोशिश करें। ये देखिए उंगलियां आधी मुड़ी हुई हैं, अंगूठे के पीछे से दिख रही हैं, और छोटे वाली, सबसे छोटे वाली लिटिल फिंगर वो नीचे की तरफ बेंड है। इस तरह से देखिए आप अपने हाथ में भी बना करके उस पोज को देख सकते हैं, उसके बाद उसकी कॉपी करें। सबसे आसान तरीका है आप अपने हाथ को उस पोज में बनाएं और उसको देख करके उसकी कॉपी करने की कोशिश करें। और एक बार में नहीं बने, बार बार बनाएं, 2 बार 4 बार 10 बार 20 बार, जब तक एक बन करके ऐसा पोज तैयार हो जाएगा आपका। देखिए इसमें आप पहली उंगली को सीधा भी कर सकते थे, नीचे वाली को भी सीधा कर सकते थे सबको, लेकिन ये अलग पोज समझाने के लिए हम आपको ये बता रहे हैं। और इस तरह से बनने के बाद आप उसको देख सकते हैं। अब दूसरा पोज में हम देखिए बना रहे हैं, तो इसमें सारी उंगलियां, इसमें चारों उंगलियां दिखा रखी हैं, अंगूठा सीधा है। इसमें देखिए थोड़ा अलग से पोज दिखा रहे हैं आपको। इस तरह से इसमें बड़ी जो पहली उंगली है इंडेक्स फिंगर वो दिखाई दे रही है, दूसरी उंगली उसके पीछे है, और बाकी की जो दो उंगलियां उनका आगे का हिस्सा पीछे से आगे आते हुए दिखता है, ये देखिए इस तरह से। और इनमें पहली वाली उंगली का नाखून दिखेगा और अंगूठे का नाखून दिखेगा, और जो पीछे की उंगली है उनका नाखून नहीं दिखाई देगा, ये कलाई तक आके हमारे ऐसे जोड़ के बैंड हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से। इन दोनों पोज में थोड़ा सा फर्क है, तो ये फर्क आपको बनाना आना चाहिए। आइए एक पोज और बनाते हैं, एक पोज और बनाते हैं हाथ का। तो इसमें आप देखेंगे कि इन दोनों पोज से वो अलग ही होगा। तो ये वाला पोज है और इस वाले पोज में अंतर है। इस वाले पोज को हम इस तरह से बना रहे हैं कि अंगूठे के साथ बड़ी उंगली और मिडिल फिंगर, लिटिल फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, सबको देखिए इनकी ऊंचाई अलग-अलग होती है। मिडिल फिंगर सबसे ऊंचा बनाना है आपको, और बाद में छोटी छोटी उंगलियां बना सकते। और इस पोज में देखिए जो छोटी वाली उंगली है लिटिल फिंगर वो पीछे छुपी हुई है, रिंग फिंगर के पीछे छुपी हुई है। इस तरह का ये पोज बनाने की कोशिश की है। इसमें नाखून सभी के दिखेंगे क्योंकि ये बैक पोज है, हाथ का पीछे का पोज है, तो नाखून सभी उंगलियों के दिखेंगे, ये कलाई तक हम बनाएंगे। ये भी सारी की सारी आउटलाइन है, इसमें शेडिंग नहीं है कुछ भी, सिर्फ आउटलाइन है कि उंगलियां किस तरह से बेंड होंगी, अंगूठा उंगलियां उनकी दूरी कैसे कितनी रहेगी, ये इसमें हमने आपको समझाने की कोशिश की है। तो देखिए जितने भी सारे पेंटिंग बनेंगी सभी में हाथ अलग अलग बनेंगे, तो इसकी बार बार प्रैक्टिस करें और खूब प्रैक्टिस करें, और आप अच्छे से जब हाथ बनाना सीख जाएं तो आप इसकी प्रैक्टिस